गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएमएम डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड पार्ट में आज हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारा जीडीएनटी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, वो हम कैसे चेक करते हैं सीएमएम पर। तो हमारे पास ये एक पार्ट है, इस पार्ट पे हम चेक करेंगे जीडीएनटी पैरामीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम करते हैं पैरेललिज्म, तो पैरेललिज्म करने के लिए पहले हम एक प्लेन इस साइड बनाएंगे और एक प्लेन हम बनाएंगे इस साइड। तो इन दोनों प्लेन से हम अपना निकाल सकते हैं पैरेललिज्म। उसके बाद परपेंडिकुलरिटी के लिए एक प्लेन हम बनाएंगे ऊपर, एक प्लेन हमारा इधर होगा, तो उन दोनों से हमारा निकलेगा परपेंडिकुलरिटी। उसके बाद हमारा आता है एंगुलरिटी, एंगुलरिटी के लिए एक प्लेन ऊपर होगा और एक प्लेन हमारा जो इंक्लाइंड है यहाँ पर होगा, उससे हमारा निकल जाएगा हमारा एंगुलरिटी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम प्लेन क्रिएट करेंगे। प्लेन क्रिएट करने के लिए हमने विद हेल्प ऑफ फोर पॉइंट्स हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट मैंने ये लिया। तो विद हेल्प ऑफ फोर पॉइंट्स मैंने कि प्लेन क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसके अपोजिट साइड पे एक पॉइंट, एक प्लेन मैंने इधर बनाया, एक पॉइंट मैंने इधर लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया। तो मैंने इधर भी एक ये प्लेन क्रिएट कर लिया। उसके बाद एक टॉप पे मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, एक प्लेन मैंने इधर बनाया ये विद द हेल्प ऑफ फोर पॉइंट्स, ठीक है, ये बनाया मैंने। और एक प्लेन में बना रहा हूँ जो हमारा इंक्लाइंड है एंगुलरिटी निकालने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया है, सभी फेसेस पे मैंने प्लेन क्रिएट कर लिए हैं। मैंने एक प्लेन इधर किया है, एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर और एक प्लेन मैंने इधर किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सीएमएम पर हम कैसे कैसे इसका हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा प्लेन बनाया, मैंने ये प्लेन बनाया ऊपर, ये प्लेन इधर, ये प्लेन एक इधर बनाया। तो अब मुझे पैरेललिज्म चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा फॉर्म एंड फीचर्स में, फॉर्म एंड फीचर्स में मैं जाऊंगा। उसके बाद मैं आऊंगा पैरेललिज्म में, पैरेललिज्म पे इधर क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक किया, तो फीचर्स में डबल क्लिक किया तो प्लेन नंबर वन मैं ये दूंगा और प्राइमरी डेटम के लिए प्लेन नंबर टू। तो इन दोनों प्लेन की हेल्प से हमारा निकल जाएगा पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। तो ये देखो हमारा आ रहा है 0.043, ये हमारा इसका पैरेललिज्म आ गया। उसके बाद अगेन मैं जाता हूँ फॉर्म एंड फीचर्स में, अब मैं चेक करूँगा परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी के लिए मैं क्लिक किया मैंने, फिर मैंने इसको डबल क्लिक किया, फीचर्स को मैंने दिया परपेंडिकुलरिटी, प्लेन नंबर वन दिया मैंने इधर, और प्राइमरी ऑप्शन में मैंने दिया टॉप वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। तो हमारा परपेंडिकुलरली इस प्लेन के और इस प्लेन के अकॉर्डिंग हमारा निकल जाएगा परपेंडिकुलरिटी। तो देखो हमारा आया 0.050, ये हमारा परपेंडिकुलरिटी आ गया। अब हमें निकालना है एंगुलरिटी, एंगुलरिटी के लिए अगेन मैं जाऊंगा फॉर्म एंड फीचर्स में और मैं चूज करूंगा ऑप्शन एंगुलरिटी, ये क्लिक किया मैंने, फिर डबल क्लिक किया हमने एंगुलरिटी पे, फीचर्स में हम देंगे टॉप वाला प्लेन नंबर थ्री और प्राइमरी में देंगे हम जो हमने प्लेन बनाया इंक्लाइंड वाला, तो इसको हमने क्लिक किया। तो अब हमारा एंगुलरिटी जो है इस प्लेन और इस प्लेन के अकॉर्डिंग हमारा आया 0.048। तो इस हिसाब से हमने ये सारे अपने, अब इसको देखेंगे व्यू में जाएंगे कस्टम प्रिंट आउट, और देखो ये आप देख पा रहे हैं हमारा पैरेललिज्म निकल गया, हमारा परपेंडिकुलरिटी निकल गया और हमारा एंगुलरिटी निकल गया। ठीक है,
तो ऐसे हम अपने GDNT पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं CMM पे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।